सत श्री अकाल जी, आप देख रहे हैं तो फुल खोल टीवी निकिता के साथ। और फिर से निकिता आपको एक इंटरेस्टिंग जलंधर की प्लेस में लेके आ चुकी है। जी हाँ, हर बारी की तरह निकिता में विश्वास बनाए रखें। और निकिता इस वक्त आपको मॉल टाउन की वेजिटेरियन एक्सप्रेस में लेके आ गई है, जहाँ पे फिर से आपको 150 का अनलिमिटेड मिलेगा। पहले आपने वीडियो देखी होगी जहाँ पे 99 का अनलिमिटेड था, तो उस वीडियो में आपने भरपूर प्यार दिया है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप इस वीडियो में खूब प्यार दें और देखें और यहाँ पर आए और टेस्ट करके ज़रूर जाएं। तो 150 में अनलिमिटेड और यहाँ पे वैरायटीज उस हिसाब ही से बहुत ज़्यादा वैरायटीज है। आपको नाम बता दूँ तो नाम कुछ इस तरह के दही भल्ले, न्यूडल, जीरा राइस, कड़ी पकौड़ा, राजमा, दाल फ्राई, येलो दाल एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। तो 150 में जितना मर्जी खाएं, बट कहीं ना कहीं वेस्ट ना करें। तो अंदर चलते हैं फटाफट और दिखाते हैं और टेस्ट आपको बताते हैं। चलिए, देखिए जी, जैसे आप एंटर करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे वेटिंग हॉल दिखेगा। यहाँ पे मतलब जब अंदर रश होता है तो लिटिल बिट यहाँ पे वेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप काउंटर में जाएंगे, टिकट करवाएंगे, जो भी आपकी वाउचर होगा, जो भी आपकी टिकट होगा, बफे रहेगा 150 का, उस हिसाब से आपकी टिकट होगी। तो पर पर्सन 150 और पैकिंग के साथ 160 है। तो अंदर चलकर जो खुशबू है बहुत लाजवाब आ रही है। ओह माय गॉड, जिस तरह का आपका कहना है, मेरा कहना ही है कि जब एंटर करते ही खुशबू ना आए तो उस जगह से वापस मुड़ जाए। तो खुशबू मतलब बेसब्र करिए इस वक्त। तो चलिए और देखते हैं। तो जी, सबसे पहले आप उठाएंगे प्लेट और काउंटर से आपको एंट्री करते आपको प्लेट मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या क्या लगा है आज। तो जी, सबसे पहले चावल लगे और आप देख सकते हैं जो चावल की क्वालिटी है वो कितनी ही अच्छी, बिल्कुल अलग अलग जिस तरह के सबको पसंद होते हैं। तो ये सबसे पहले जाएंगे हमारे चावल। देखिए, थोड़ा थोड़ा लेना, उसके बाद फिर ले लेना अगर भूख लगी, बट कहीं ना कहीं वेस्ट ना करें, जो मेरा हर बारी का मैसेज होता है। ये साढ़े पंजाबियों की स्पेशल कड़ी, हमारे राजमा, क्वालिटी इनकी देखने वाली है। जो मतलब कहते हैं ना, जो गाढ़ापन हर घर में हर लड़का मांगता है, स्पेशली लड़कियां तो कुछ भी, घर पर लड़कों को दी यार राजमा पानी भर के क्यों है, राजमा गाढ़े क्यों नहीं है के? तो ही गल इतनी तड़ी पूरी कंप्लीट होने, जो राजमा की जो गाढ़ापन है, जो इनकी वो है ग्रेवी है, वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से आप रंग देख सकते हैं राजमा का, कितना प्यारा रंग है। तो उसके बाद देखो बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए दाल स्पेशली देखिए, वाह जी वाह, खुशबू सच्ची कह रही है लाजवाब आ रही है। और ये पीली दाल जिसको हर कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, पर जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो जो पीली दाल है ना वो भी आपको कहीं ना कहीं खींच लेगी। और ये थोड़ी सी पीली दाल क्योंकि ये मेरी फेवरेट है कहीं ना कहीं। और फिर ये साथ ही में नूडल्स एंड जस्ट लुक एट दिस, आई जस्ट वॉन्ट कि कैमरा थोड़ा सा पास में आए एंड लुक 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 नूडल्स में जो प्रॉपर वेजीज हैं, और जस्ट लुक एट दिस, वाओ, आई जस्ट लव इट एंड आई लव नूडल्स। तो जी देखो, 150 में अगर आपको इतना कुछ मिल रहा होगा, अगर बहुत कुछ खाने का दिल कर रहा है और आपका मतलब जो अमाउंट पे करने का थोड़ा सा बजट आपका कम है, तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप यहीं आए, कहीं ना जाएं। और ये हमारे भले एंड वाओ, जस्ट लुक, भल्लों का साइज इतना बड़ा बड़ा और अच्छा अच्छा साइज है यहाँ पे, वाओ। एंड जस्ट चटनी, ये हमारी इमली की चटनी, ये तो मेरी भाई साहब बहुत ज्यादा फेवरेट है। जस्ट लुक एट दिस, प्लेट मेरी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, बट स्टिल यहाँ पे आइटम्स इतनी ज्यादा हैं कि आप वापस ले सकते हैं। एंड ये है हमारे, ये देखिए आप, ये हमारे पालक कॉर्न्स, ये मेरे घर में सबसे ज्यादा सर्दियों में बनाए जाते हैं। जस्ट लुक एट दिस, ये थोड़े से हम पालक कॉर्न्स भी डालेंगे। देखिए टेस्ट तो अब हर चीज का करना पड़ेगा अगर हम आ रहे हैं तो। और फिर ये हमारी मिक्स वेज इधर बनी हुई है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। और साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द थिंग्स जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बफे खाते हैं, वहाँ पे सफाई नहीं होती, हाइजीन लेवल मेंटेन नहीं होता, जो सब्जियाँ होती बहुत हौच पोच होती है। जस्ट लुक एट हेयर कि यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया गया और हर सब्जी को अच्छे तरीके से पकाया गया। और जो ग्रेवी, जो मैं कह रही हूँ बार बार, जो ग्रेवी हर चीज़ की है वो बहुत परफेक्टली कुक्ड है। कलर ऑब्वियसली हर सब्जी का मैटर कहीं ना कहीं करता ही है। और ये हमारा पनीर भी जाएगा डेफिनेटली, ये हमारा है कढ़ाई पनीर। ये थोड़ा सा साइड में पनीर को भी जगह देते हैं। और फिर उसके बाद जी हमारा पास्ता है, फिर ये कौन कौन सा है, अच्छा जी सोया चाँप, माय फेवरेट चाँप भी यहाँ पर है। तो ये हमारी सोया चाँप, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बाद, प्लेट बिल्कुल फुल हो चुकी है, जगह नहीं है, बट पेट में बहुत ज़्यादा जगह है तो इसको हम बाद में खा लेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं सैलेड में। तो जी यहाँ पे आपको प्रॉपर सैलेड भी मिलेगा, ये देखिए अनियंस हैं, एंड उसके बाद खीरे भी आपको मिलेंगे। लुक 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 लुक,
ये प्रॉपर खीरे भी आपको मिलेंगे और ये हमारा हल्का सा मसाला जाएगा भल्लों के ऊपर और ये हल्का सा नमक भी और ये हमारा जी अचार। अचार के बिना खाना खाना है ज़िंदगी बहुत फीकी फीकी सी हो जाती है। और उसके बाद ये नींबू जी, जब राजमा खाएंगे तो नींबू निचोड़ के हमेशा खाएं, ये मेरी टिप है। तो चलते हैं और बैठते हैं, फिर आपको टेस्ट बताते हैं जी। आपको जो आपका पानी और चपाती जो इनका कहना है वो आपको टेबल में मिल जाएगी। ऐसे हर बफर में जो पानी और जो चपाती है वो आपको टेबल में ही सर्व किया जाता है। और स्पेशली आप थाली देखोगे, थाली बिल्कुल फुल है। यार बोलना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट स्टिल आपके लिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। जो थाली इस वक्त बिल्कुल फुल है और अभी भी तीन चार आइटम्स, तीन चार जिनके पास वैरायटीज है, जस्ट लाइक चाप, मिक्स वेज, वो अभी रह गई हैं, तो वो मैं अभी खाऊंगी। और दाल भी साथ में रह गई है, दाल मखनी और जो येलो वाली दाल है वो मैंने ले ली थी। तो टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट करूँगी मैं भल्ले करूँगी, क्योंकि जो भल्ले जो है ना मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो दिवाली में बनाए जाते हैं। एंड उसके ऊपर चाट मसाला भी डाला था, हल्का सा नमक भी डाला था और ऊपर से इमली की चटनी भी डाली थी। एंड लेट्स हैव इट, जस्ट लुक एट दिस। जो इनकी दही भी गाढ़ा है और भल्ले भी मोटे मोटे हैं। और वन मोर थिंग, जो इनके भल्ले वो सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। वाओ, इट्स टू गुड। इनकी चटनी इतनी अच्छे से बनाई है इन लोगों ने। वाह, इट्स टू गुड। हमारी जो नज़र जा रही है वो नूडल्स में जा रही है। आई थिंक मुझे फॉग लेना चाहिए था, बट वी आर इंडियंस। नूडल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए और साथ में ये नींबू हमारा राजमा के ऊपर। एंड हम इस वक्त चपाती का वेट कर रहे हैं। ये हमारे राजमा, जस्ट लुक एट दिस यार, जस्ट क्वालिटी तो चेक करो। इनकी जो ग्रेवी है राजमा की, जो गाढ़ापन है सब्जी का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। टेक्सचर बहुत अच्छा है और कलर भी बहुत अच्छा है। एंड लेट्स हैव इट। वाओ, इट्स टू गुड। पता नहीं घर पर ऐसे राजमा क्यों नहीं बनते हैं यार। इट्स टू गुड। और चपाती भी आ चुकी है, मुझे नज़र आ रही है। और जी भैया, जी बस ये ले जाइए आप प्लेट, इतना नहीं लेना है मुझे। ये एक बटर नान ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं और एक, आप क्या खाना पसंद करोगे? दस वन लच्छा भी है, चलो जी लच्छा भी डाला। तीन तीन वैराइटीज़ हमारे पास हैं, तो ठीक है अगर और होगा तो मैं भी मंगा लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो जी ये हमारी गर्मा गर्म, बिल्कुल गर्म गर्म रोटियाँ तैयार है तीन तीन वैराइटीज़ के साथ। थोड़े से राजमा चक्के देखते हैं, सॉरी कड़ी चक्के देखते हैं। और ये छोटे छोटे से पकौड़े हैं, बड़े क्यूट से लग रहे हैं। खाना बहुत लाजवाब है, सच कह रही हूँ। 150 में इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, जब क्वालिटी अच्छी और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो तो यहीं आना बनता है। वाओ, और ये हमारे पालक कॉर्न्स जो हमारे घर पे बहुत ज़्यादा बनते हैं सर्दियों में। वाह जी वाह, ये देखिए लच्छा, आप देखेंगे प्रॉपर लच्छे की शेप बनी हुई है। ये नहीं है कि बफे बन रहा है, लोग बहुत ज़्यादा आएंगे कि फटाफट में, मतलब कि पंजाबियों जो कहने वाला कि फा बटन वाला काम नहीं है थे। बिल्कुल 150 जायज़ रेट और जो खाना है लाजवाब। ये हमारा जा रहा है जी कढ़ाई पनीर, कलर है वो देखने वाला है। हाय, रोटी बड़ी गर्म है यार। चावल जो स्पेशली बिल्कुल अलग अलग हैं, ऑलमोस्ट चावल चिपचिपे होते हैं और ये चावल बड़े अच्छे से इन्होंने कुक किए हैं, बिल्कुल अलग अलग। और ये अपना जी हल्का सा अचार, फ्लैश चल रही है। तो जी हमारी दूसरी बार थाली आ चुकी है, मुझे लगता है तीसरी बार भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैराइटीज, आइटम्स, वेजीज, दाल इतनी ज़्यादा है ना। तो देख भल्ले बहुत अच्छे लगे, फिर से भल्ले, राजमा बहुत अच्छे लगे। तो पनीर जी, मेरे जो कैमरा जी हैं, कैमरा मैन है, उनका फेवरेट है, तो वो कह रहे हैं मैंने पनीर खाना है। और जी ये मेरी स्पेशल चाप आ गया, और जो स्वांट की चाप पास से आके देखेंगे ना, फिर से मैं कह रही हूँ जो उनकी, देखिए ग्रेवी इतनी अच्छी बनाई है, बिल्कुल
गाढ़ी है बिल्कुल, अच्छी वाली मस्त ग्रेवी है, बहुत अच्छी ग्रेवी है। और यही आप बाहर जाएंगे 100-150 की आपको प्लेट मिलती है एक ग्रेवी चाम की, और यहाँ पे आपको 150 में जितनी मर्जी चाम का, जितनी मर्जी नूडल का, जितनी मर्जी पास्ता का, और ये पास्ता रेड सॉस पास्ता है। फिर से चावल आ चुके हैं, दाल और मेरी रह गई है, दाल रह गई है और 2-3 वेराइटीज और रह गई हैं जो खाने वाली है, पर इसके बाद आई थिंक मैं फुल हो जाऊँगी, तो ख़त्म करके मिलती हूँ आपको। एंड लिटिल इट्स टू गुड, आई जस्ट वॉन्ट कि आप वेजिटेरियन एक्सप्रेस ज़रूर आएँ, लोकेशन आपको एंड में फिर से बता। हमारी प्लेट पूरी खाली हो चुकी है और पेट हमारा पूरा भर चुका है, और उसके बाद तो ऑब्वियसली मीठे के बिना तो खाना का खाना अधूरा है, एंड इसलिए हमने मंगाई है यहाँ पे रसमलाई। जो रसमलाई वो लिटिल बिट, बिल्कुल लिटिल अमाउंट के साथ पेड है, सोचिए ये हमारे रसमलाई है। तो अगर आप रसमलाई का कलर पास आगे देखेंगे और जो इसका गाढ़ापन है वो भी देखेंगे तो वो बिल्कुल लाजवाब है। ममता मैम मज़ा आ गया सच्ची में, बहुत अच्छी है। और थोड़े से व्यूज़ में अपने कैमरामैन जी से भी लूँगी, क्योंकि उनका कहना है कि भाई तू तो सारा चट्टा कर जाती है और मेरे मुंह में पानी आता रहता है। तो वही मैंने कहा था ना कि मेरे लिए तो चलो फिर भी इजी है, बट जो कैमरामैन है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, तो सारा शूट करना है, मैं तो फिर टेस्ट कर रही हूँ, फिर देखना है। और जब मैं सुन रही हूँ ना ऊपर से मसाला डाला, ऊपर से ये किया, ऊपर से गर्म है, तो उसके मुँह में ज़्यादा पानी आ रहा है। तो थोड़े से उनके व्यूज़ दिलवाती हूँ आपको, चलिए। अरे कैमरामैन थोड़ी सी पेट जरूर है, बट मेरा दिल कर रहा था खाने का, तो मैंने इसको बोला कि आप अकेली खा रहे हो, मेरे को भी खिलाओ यार, आप अकेले क्यों खा रहे हो। अच्छी है ना, आई थिंक इतना कुछ खा के ना, अगर आपने रसमलाई नहीं खाई ना तो कुछ नहीं खाया, सीरियसली सब कुछ खत्म। बिकॉज हम नमकीन खाते हैं उसके बाद मीठा खाएंगे तो हमारा मतलब टेस्ट दुगना हो जाता है, एक कहते हैं चार चांद लग जाना वही चीज़ होता है टेस्ट, तो बट इसका टेस्ट बड़ा ही अलग है और यूनिक है, तो आप आके टेस्ट जरूर करिए। थैंक यू। तो जी हमारा लंच बिल्कुल हो चुका है, 7-8-10 तरह की आइटम्स थी, अभी भी 2-3 आइटम्स मिक्स वेजिटेबल दाल और कुछ चीज़ें वो नेक्स्ट टाइम मैं खाने आऊँगी। आप देख सकते हैं रश कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, रश वहीं पर ही होता है जहाँ की चीज़ें अच्छी होती हैं, जहाँ की चीज़ें टेस्टी होती हैं, यूनिक होती हैं और बेस्ट होती हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी, यहाँ की चीज़ें बहुत टेस्टिंग है, बहुत यूनिक है, बहुत बेस्ट है, बेस्ट है। एंड वन ऑफ द थिंग्स वराइटीज़ आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा है, प्लेट भी कम पड़ रही थी, वराइटीज़ इतनी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली टेस्ट का जो टेस्ट है ना, मतलब जो सब्जियों का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल का है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप भी ज़रूर आएँ वेजिटेरियन एक्सप्रेस, और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते रहिए इसी तरह तो फुल टीवी निकिता के साथ, नमस्कार।